दोस्तों रोचक तथ्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी यूट्यूब फैमिली का जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एरिए की जहाँ इंसानों का जाना सख्त मना है। यदि कोई इंसान वहाँ गलती से दिख गया तो सीधा गोली मारने के ऑर्डर है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ना एयरप्लेन जा सकता है, ना उसके ऊपर से कोई ड्रोन भी निकल सकता है? तो कौन सा एरिया है? हम बात कर रहे हैं एरिया 51, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो क्या हुआ था यहाँ पे, उससे पहले सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं। एरिया 51 एक ऐसा एरिया जहाँ इंसान तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकते। तो उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर एरिया 51 है क्या। एरिया 51 अमेरिका के लास वेगल यानी कि न्यू मैक्सिको रोजवेल में है, जिसे पहले यूएस नेवडा यानी कि नेवडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहा जाता था। यहाँ पे रिसर्चें होती थी, यहाँ पे अमेरिका अपने बम, अपने हथियार, अपने एयरक्राफ्टों की ट्रेनिंग करता रहता था, परीक्षण करता रहता था। लेकिन 1947 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद ये एरिया सबकी नज़रों में आ गया, यानी कि एरिया 51 क्या हुआ था। वहां पर एक एलियंस का यूएफओ देखा गया था, यानी कि उनका यूएफओ क्रैश हो गया। उसके बाद से लोगों का मानना यह है, यहां पे आज भी रिसर्च चलती रहती है उन एलियंस के ऊपर। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक कॉल रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूं जो एरिया 51 से ही आई थी, और यह उस टाइम पे आई थी जब एक इंसान अपनी रेडियो पे ऑनलाइन बैठा था और एरिया 51 से एक कॉल आई। तो उस कॉल में क्या कहा गया, आप पहले इस बात को सुनिए। तो दोस्तों जिस इंसान की कॉल रिकॉर्डर आपने सुनी, शायद सुन के आप लोगों के भी होश उड़ गए होंगे कि हाँ जो बात वो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं। लेकिन उस टाइम पे इस इंसान की खबर हर एक अखबार में अमेरिका के हर एक जगह पे छपी थी, जिसमें बताया था कि इंसानों का नाश बहुत जल्दी होने वाला है, ये पूरी पृथ्वी तबाह होने वाली है। 1996 से पहले अमेरिका ने एरिया 51 को सीक्रेट रखा था, यानी कि उसने अपने मैप में किसी लोकेशन में इस एरिया को नहीं दर्शाया था। लेकिन 1996 के बाद CIA ने इस जगह का होने का तथ्य दिया, यानी कि ये जगह है। ऐसा इस जगह में क्या होता था जो अमेरिका ने इसको हमेशा छुपा के रखा? तो इस कहानी के बाद आदमियों को सत बसत यकीन हो जाता है कि एरिया 51 में कोई एलियंस लोग रहते हैं जिन पर रिसर्च की जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर
तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ड्रोन उड़ाया जा सकता है, ड्रोन तो दूर की बात है, इसके ऊपर से कोई प्लेन भी नहीं उड़ाया जा सकता, यानी कि प्लेन भी नहीं भेजा सकता। ऐसा क्या है जो यहाँ से प्लेन भी नहीं जा सकता? बिकॉज ऑफ यहाँ पे सच में यूएसए यानी कि सॉरी यूएफओ आया था, और एक वैज्ञानिक का दावा यह है उसने यहाँ पे काम किया था और उसने बताया कि कैसे यहाँ पे एलियनों पे रिसर्च होती थी, और उसने 20 साल यहीं पे रह के इन सभी एलियंस पे रिसर्च की, और उसका मान्यता ये था जो ये एलियंस आए थे वो कुटेनियम ग्रह यानी कि कुटेनियम ग्रह जो कितने लाइट्स, जी हाँ, अगर जो लोकेशन ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको लाइटों में तोलते हैं, कितने कुटेनियम लाइट्स से वो आए थे यानी कि कुटेनियम ग्रह से आए थे, और उनकी दूरी बहुत थी, और जिस यूएफए से वो आए थे उस दूरी को वो सिर्फ 30 मिनट में पकड़ लेते थे, यानी कि 30 मिनट में वो पहुंच जाते थे। और उन रिसर्चों के कारण अमेरिका ने आज भी एरिया 51 को बंद करके रखा है, ना यह इंसान आ सकता है ना जा सकता है। अगर गलती से कोई इंसान इधर दिख गया तो उसको गोली मारने के भी आदेश हैं। तो दोस्तों ये सच्चाई है एरिया 51 की। तो दोस्तों क्या सच में एरिया 51 में एलियंस है? क्या सच में एरिया 51 में आज भी रिसर्च चल रही है? देखो इस बात की सच्चाई इस बात से होती है क्यों अमेरिका सरकार ने वहाँ पे जाने से बैन करके रखा है, क्यों एक इंसान भी वहाँ तक नहीं जा सकता, क्यों वहाँ पे कोई अपना ड्रोन उड़ा के फोटो क्लिक नहीं कर सकता। तो ये सारे तथ्य जो मैं आप लोगों के सामने रखे हैं उससे यही पता चलता है वहाँ कुछ तो ऐसा सीक्रेट है जो अमेरिका सरकार, अमेरिका गवर्नमेंट किसी को बताना नहीं चाहती, यानी कि सबसे छिपा के रखना चाहती है कि उनके पास क्या हो रहा है, उस एरिया 51 में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी रिसर्च चल रही है जो वो छिपा के रखना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये न्यूज़ अच्छी लगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नई कहानी के साथ मिलते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। और जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है मैं गिव अवे करने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई कहानी के साथ।